हेलो प्यारे बच्चों, आज जब मैं टीवी क्लास में लाइंस के बारे में बताने जा रहा हूं, मैं आपको कुछ लाइंस के इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको सीखने हैं। बीच बीच में क्वेश्चंस के आते हैं वो, और जब क्वेश्चंस के बीच बीच में वो टर्म आते हैं तब हमको क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आती है। तो वो सारी प्रॉब्लम क्वेश्चंस के दौरान हमको ना आए, इसलिए ये जो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इनको मैं बता रहा हूँ। और उसमें ये फर्स्ट मैंने लिया हुआ है कॉन्करेंट लाइंस का क्या है मीनिंग, जरा देखते हैं। एक लाइन ये है हमारे पास, इस लाइन का कुछ नाम डाल लेते हैं, सपोज एबी। दूसरी लाइन ये है हमारे पास EQ। तीसरी लाइन ये है हमारे पास RS। एक और लाइन है हमारे पास LM। तो ये कितनी लाइन्स है हमारे पास, 1, 2, 3 and 4। तो ये 4 लाइन्स है हमारे पास, और ये सारी लाइन्स एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पर कट कर रहे हैं। ये कॉमन पॉइंट है जिससे ये पास हो गई। ये सारी लाइंस एक कॉमन पॉइंट से पास हो गई हैं। इस कॉमन पॉइंट का नाम हम डाल लेते हैं O। सपोज दिस पॉइंट इज O। तो ये सारी लाइंस का जो कॉमन पॉइंट है वो हो गया O। तो जब कई लाइनें एक कॉमन पॉइंट से पास होती हैं, एक ही कॉमन पॉइंट से पास होती हैं, तो ऐसी लाइंस को हम कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। क्या कहते हैं उनको, कॉन्करेंट लाइंस। अगर कहीं क्वेश्चन में टर्म आ रहा है बीच में, ये नाम आ रहा है कॉन्करेंट लाइंस, तो नाम को आते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो लाइंस है जो कॉन्करेंट हैं, ये सारी लाइंस एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही होंगी। इनका सबका एक कॉमन पॉइंट होगा जिससे होकर ये जा रही होंगी। तो ऐसी लाइंस को हम कॉन्करेंट लाइंस बोलेंगे। इस फिगर में आप क्लियरली देख सकते हैं, कई लाइंस मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई हैं, और ये सारी लाइंस एक कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट इससे जा रहे हैं। तो ये इनका कॉमन पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बोल सकते हैं। इसको हम दो नामों से पुकार सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो हो गया O, और ये सारी लाइंस हो गई कॉन्करेंट लाइंस। क्लियर। एक इंपॉर्टेंट टर्म आपने सीखा। अब इसके बाद और टर्म बता रहा हूं आपको, इंटरसेक्टिंग लाइंस। हालांकि पिछली वीडियो में मैं आपको इसके बारे में कुछ बता चुका हूं, लेकिन फिर इस वीडियो में दोबारा बता रहा हूं एक बार फिर। इंटरसेक्टिंग लाइंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्वेश्चंस में काफी जगह आपको ये मिलेगा। तो आप देखिए, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ की, लाइन एबी। दूसरी लाइन इस तरीके से ड्रॉ की, लाइन सीबी। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, किसी एक पॉइंट से होकर ये जा रही है। तो ये जो कॉमन पॉइंट है इनका, सपोज दिस पॉइंट इज O, तो ये पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये दोनों लाइंस, लाइन AB एंड लाइन CD, इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये जो लाइंस हैं इनको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे, और इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
तो इस तरीके से आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस के बारे में भी मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि दो लाइंस इस तरीके से हैं जिनके बीच की डिस्टेंस सब जगह इक्वल रहे, सब जगह इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल रहे, अगर कहीं पर भी डिस्टेंस चेंज ना हो तो ऐसी लाइंस को पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो पैरेलल लाइंस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होने का सवाल नहीं होता क्योंकि वो किसी कॉमन पॉइंट्स पर मिलती नहीं है, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस में भी आपको समझ आना चाहिए कि पैरेलल लाइंस में कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा, डिस्टेंस पैरेलल लाइंस के बीच की ऑलवेज इक्वल रहती है। और इसका एग्जांपल भी मैंने दिया था पिछले वीडियो में, रेलवे का ट्रैक, रेल की पटरियां, उनके बीच की डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहती है, तो पैरेलल लाइंस का सबसे अच्छा एग्जांपल उसको हम कह सकते हैं। इसके बाद एक और परपेंडिकुलर लाइंस, एक लाइन ये और एक लाइन ये, इस लाइन को मैं हॉरिजॉन्टल लाइन और इस लाइन को वर्टिकल लाइन बोलता हूं। तो यहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन अगर इस तरीके से एक दूसरे के साथ हैं तो इनको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक परपेंडिकुलर लाइन, दोनों को एक साथ इस तरीके से जोड़ दिया जाए तो इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। तो चार लाइंस के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पहला मैंने बताया आपको कॉन्करेंट लाइंस, दूसरा मैंने आपको बताया पैरेलल लाइंस, तीसरा बताया आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस, और चौथा जो आपको बताया मैंने परपेंडिकुलर लाइंस। क्वेश्चंस के बीच में ये टर्म यूज होंगे तो आपको इनको याद रखना है, ध्यान रखना है, और अगर ये टर्म कहीं आ रहे हैं तो आपको उनको ये फिगर, इनकी जो ड्राइंग है वो आपके माइंड में क्लिक होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे इजीली और आप ज्योमेट्री को समझ पाएंगे। अब हम कुछ फिगर्स बनाने जा रहे हैं जिसको देखकर आप ये बताएंगे कि ये किस तरीके की लाइंस हैं, किस प्रकार की लाइंस हैं। देखिए ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये स्टैंडिंग लाइन है, तो इसको हम वर्टिकल लाइन बोलेंगे। वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और इंक्लाइंड लाइन के ऊपर मेरा पूरा एक वीडियो बना हुआ है, जिसको यहाँ समझने में प्रॉब्लम आ रही हो तो वो पिछला वीडियो देख सकता है, उसमें ये मैंने डिटेल में पढ़ाया है। तो ये वर्टिकल लाइन, और एक इस तरीके की मैं लाइन बना रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये पॉइंट ऐसा है जिससे ये जा रही है, ठीक है। तो इन लाइंस को हम किस तरीके से बोल सकते हैं, कितने नामों से इनको पुकार सकते हैं वो देखना है। सबसे पहले इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्लियर। पहली बात कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, तो इनको हम परपेंडिकुलर लाइंस भी बोल सकते हैं क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है, इसलिए इनको हम क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस, क्लियर। पहला नाम क्या हो गया, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर के केस में आपको ऐसे ही नहीं समझना है कि सिर्फ आप इतना ही समझें, आप केवल यहां तक लाइन और यहां तक लाइंस में कहें कि ये परपेंडिकुलर लाइंस, नहीं, ये लाइंस भी परपेंडिकुलर हैं। बस हमने क्या किया है, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया है, ये थोड़ा सा नीचे भी आ गई, तो ये लाइन भी परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि ये लाइन तो हॉरिजॉन्टल है ही और ये वर्टिकल है, तो जब भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन मिलेंगी तो वहां पर परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ होंगी, तो ये परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। और इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे, क्योंकि एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, किसी एक पॉइंट से होकर पास कर रही हैं,
तो हम इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हैं और ये परपेंडिकुलर लाइंस भी हैं। क्लियर? एक लाइन हम इसमें और बनाते हैं इस तरीके की, और ये लाइन भी इसी पॉइंट से ऊपर जा रही है, तो अब ये तीन लाइंस हो गई, ए बी सी डी और ये पी। इन तीनों लाइंस का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये पॉइंट है, इसको हम ओ नाम दे सकते। तो अब ये लाइंस बन गई इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये पैरेलल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस, ये सारे टर्म ज्योमेट्री में कॉमन टर्म हैं, बार बार आएंगे, तो आपको इनको ठीक से समझ लेना है, अपने दिमाग में हर लाइन की इमेज फॉर्म कर लेनी है, ताकि जब भी आपके सामने फिगर आए तो आप उस फिगर को क्लियरली समझ पाए या क्वेश्चंस में क्लियरली फिगर को बना पाए। ओके?